अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं मटन बिरयानी, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी का मसाला रेडी कर लेंगे। हमने इस बर्तन में तेल लिया था, 1 कप तेल हमने लिया है, जिसमें हमने प्याज को फ्राई करके ब्रिस्ता बना लिया था। अब हम इसी तेल में 3 तेज पत्ता डाल देंगे और 1 टीस्पून शाहजीरा। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो मटन, 1 टेबलस्पून नमक। मटन को हम 5 से 10 मिनट फुल फ्लेम पे इसी तरह अच्छे से भून लेंगे। हमने ये 3 टमाटर लिए हैं, हमने 1/2 कप दही लिया है और हमने 6 प्याज को बारीक काट कर इसका ब्रिस्ता बना लिया था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। हम इसमें से आधी प्याज डालेंगे, हमने इसमें आधी प्याज डाल दी है और थोड़ी प्याज हम बचा कर रखेंगे। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, साथ में ये दही भी डाल देंगे। ये सारी चीजों को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज, टमाटर और दही को हमने पीस लिया है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। हमने मटन को 10 मिनट फुल फ्लेम पे अच्छे से पकाया, फिर हमने इसे ढककर लो फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाया। अब ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। हमने ये 5 हरी मिर्च ली है, इसे इस तरह काट लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो टमाटर, प्याज और दही का पेस्ट बनाया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज, टमाटर और दही का पेस्ट डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे ढककर 5 से 10 मिनट अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर और दही का पेस्ट अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून हम ये शान बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास शान का बिरयानी मसाला नहीं है तो आप दूसरा बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। 1 नींबू का रस, हमने ये कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और 1/2 कप के करीब हमने हरा धनिया लिया है, इसे चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी का मसाला अब रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फॉइल पेपर की कटोरी रख देंगे। अब हम इस पे गरम किया हुआ कोयला रख देंगे। इस पे हम थोड़ा सा तेल डालकर इसे ढककर कोयले का धुआं दे देंगे। अब हम चावल की प्रिपरेशन करते हैं। हमने ये 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके इसे 15 मिनट के लिए पानी में भिगा लेंगे। 1 किलो चावल पकाने के लिए हमें 16 से 20 कप पानी लगेगा। हमने ये 5 हरी मिर्च ली है और 10 काली मिर्च ली है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून नमक भी डाल देंगे, 1 नींबू का रस और 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल डाल देंगे। अब हम पानी में अच्छा बॉईल आने देंगे। जब इसमें अच्छा बॉईल आ जाएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी में अच्छा बॉईल आ चुका है, चावल भी अच्छी तरह भीग गए हैं। अब हम चावल को पानी में डाल देंगे।
पूरे चावल इसमें डाल दिए हैं। अब हम चावल को अच्छी तरह पका लेंगे। हमने 6 आलू लिए थे, इसके बड़े बड़े टुकड़े काटे और इसे फ्राई कर लिया है। चावल अच्छे से पक गए थे, हमने चावल को छान लिया है। हमने नीचे एक चावल का लेयर लगा लिया है। अब हम इस पे मटन का मसाला डाल देंगे। अब हम इस पे आधे आलू भी डाल देंगे। अब हम इस पे चावल की एक और लेयर डाल देंगे। और जो बचा हुआ मटन का मसाला है वो पूरा हम इस पर डाल देंगे। हमने बाकी का मटन का मसाला डाल दिया। अब हम इसमें ये बचे हुए आलू भी डाल देंगे। बाकी का मटन और आलू डालने के बाद हम इसमें चावल की लास्ट लेयर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल देंगे। अब हम इस पे डालेंगे ये बचा हुआ ब्रिस्ता। थोड़ा सा हरा धनिया। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। घी डालने के बाद हम इसे ढककर लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। अब बिरयानी अच्छे से पक गई है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। मज़ेदार सी मटन बिरयानी बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।